नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। एक समय था जब लोग अपनी उम्र पूरी करके स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त होते, लेकिन आज के समय में असमय मौत की संख्याओं में तो इजाफा हुआ ही है, लेकिन प्रेम के कारण होने वाली मौतों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा रही है, जो समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। क्यों तो प्रेम स्वाभाविक और मानवीय भावना है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब प्रेम हिंसा और अपराध का बड़ा कारण बन चुका है। प्रेम में जान गंवाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी ही एक खबर पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र से आई है, जहां विवाहित महिला के प्रेम में पड़े युवक की हत्या कर दी गई। दरअसल 27 अगस्त को तरहसी थाना क्षेत्र के बजलपुर पाठक पगारा मानत नदी के समीप छत विक्षत अवस्था में एक युवक का शव मिला था। शव के आधे हिस्से को जानवरों ने नोच खाया था। बड़ी मुश्किल से शव की पहचान कोनवाई निवासी कामेश्वर सिंह के 22 वर्षीय पुत्र महक सिंह के रूप में हुई। मृतक के भाई सिंधु सिंह ने कोनवाई निवासी विद्यापति सिंह की 24 वर्षीय पत्नी नीलम देवी समेत अज्ञात लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन के निर्देश पर एसडीपीओ मनोज झा के नेतृत्व में थाना प्रभारी नीरज कुमार ने पूरे मामले की तहकीकात की और पूरा मामला सामने भी आ गया। दरअसल पांकी थाना क्षेत्र के हरना गांव की रहने वाली नीलम की शादी कुनवाई गांव में विद्यापति सिंह से हुई थी। पड़ोस में महक सिंह रहता था और दोनों के बीच प्रेम हो गया। नीलम देवी 22 अगस्त की रात को महक को मिलने के लिए अपने घर में बुलाई थी, लेकिन रात में नीलम के भाई विवेकानंद और विभीषण ने जब महक को अपनी बहन के साथ देखा तो अपना आपा खो बैठे। उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और देखते देखते एक वार उसके सर पर कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही महक की मौत हो गई। दोनों ने मिलकर शव को मोटरसाइकिल पर रखकर करीब 5 किलोमीटर दूर लाकर सोनपुरा पुल से अमानत नदी में फेंक दिया। 5 दिनों के बाद 27 अगस्त को छत विक्षत अवस्था में बहता हुआ शव पाठक पगार बजलपुर में ग्रामीणों ने देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिसिया जांच में पूरे मामले का खुलासा करते हुए महक सिंह की प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्राम बजलपुर पाठक पगार में अमानत नदी के किनारे एक शव मिलने की सूचना थी और उसी शव की पहचान बाद में उसके परिवार वालों द्वारा महक कुमार सिंह के रूप में की गई थी। आगे अनुसंधान के क्रम में इस संबंध में जो है तरसी थाना कांड संख्या 5524 दर्ज किया गया था। तो अनुसंधान के क्रम में पता चला कि मृतक का प्राथमिक अभियुक्त के साथ पुरुष से संबंध था। उस प्राथमिक अभियुक्त का नाम नीलम देवी है। पूछताछ के क्रम में उसने स्वीकार की कि मेरा उससे पुरुष से ही बातचीत होता था और दिनांक 22/8/24 को रात में हुआ। उस मृतक को अपने घर बुलाई थी और उसके घर में उसका भाई विवेकानंद और विभीषण सोया हुआ था। जब इसको उसके साथ देख लिया तब दोनों भाई ने इसको हत्या कर लिया और हत्या करने के बाद उसको अंधेरा में बाइक पर बैठा कर सोनपुरा पुल से मृतक को फेंक दिया, साथ उसका भाई को भी नहीं। तो प्रेम